होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब करोड़पति हैं, और इनका ऐसा मानना है कि एक बार पंकज जी के साथ बैठकर एक सवाल हो जाए, सर एक ही सवाल होगा और वो भी 1 करोड़ का होगा। ओके ओके, साउंड वाले भाई साहब प्लीज एक बार केबीसी का म्यूजिक लगाइए। वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आया हूँ 5 कोटी मां बने कौन बनेगा करोड़पति। और इस समय मेरे सामने है गजल किंग पद्मश्री आदरणीय पंकज उदास जी। पंकज जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका, और मैं गेम्स के रूल्स आपको बताना चाहता हूँ। सर मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और उसके अंदर एक लाइफ लाइन भी होगी, कहीं आपको दुविधा हो तो यहाँ पर ढेर सारे आपके मित्र हैं, आप किसी भी मित्र की सहायता ले सकते हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सवाल है वो बड़ा ही पारिवारिक सवाल है जी, मैं पूछ सकता हूँ आपको? सर मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि आप लोग दुनिया भर में कितने शो करते हैं सर, इतने प्रोग्राम में व्यस्त रहते हैं, अपने फैमिली के लिए वक्त देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे सामने देखिए सर बैठे हैं, कन्हैया लाल जी हैं, पूरा परिवार है, सब बिजनेसमैन है यहाँ पर, इनका और पंकज जी। पंकज जी तो बहुत ही बिजी होते हैं, मान लो कि अभी आज प्रोग्राम किया, रात को प्रोग्राम करेंगे, सुबह की फ्लाइट पकड़ेंगे, पर पता नहीं कल और कहीं प्रोग्राम होगा, वहाँ जाना पड़ेगा।